आज पंजाब में पंजाबियों द्वारा बनाई गई अपनी सरकार का एक साल पूरा हो गया। एक साल पहले पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा फतवा दिया, 92 सीटें दी 117 में से, और पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ, आप चाहे पार्टीशन के बाद बोल दीजिए चाहे तो जब से नया पंजाब बना हरियाणा से अलग होके, पहली बार कोई तीसरी पार्टी इतने बड़े मैंडेट से सरकार में आई। लोगों को बहुत उम्मीदें, बहुत लोगों को आस है कि आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में कर रही है, जैसे दिल्ली का नक्शा जो है आम आदमी पार्टी ने वो कमाल का बना दिया, दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए, दिल्ली के हस्पताल पैरासीटामोल से लेके 50 लाख तक के टेस्ट उसमें फ्री हैं, तो दिल्ली पूरी तरह से चमका दी गई है, बिल्कुल ऐसे ही पंजाब में करेंगे। तो हमारी स्पीड ज़्यादा है, तो हमने एक साल में 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, वहाँ 12 लाख से 15 लाख तक अब तक जो लोग हैं वो ओपीडी का फ़ायदा ले चुके हैं। इसका मतलब उनको सरकारी अस्पतालों में जो है वो खज्जल खुआरी उनको धक्के नहीं खाने पड़े। और अब शिक्षा का सवाल है तो स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं, खेती में हम पंजाब को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा पानी जो ग्राउंड वाटर है वो डेंजरस लेवल तक लो चला गया, नीचे चला गया, उसको भी हम पानी को बचाने के लिए नए नए तजर्बे कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हम अपना रहे हैं। किसान खुश है, किसानों को पूछ पूछ कर हम लोग अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कि जो किसान बता रहे हैं कितनी तारीख को नहर में पानी आना चाहिए, कितनी तारीख को बिजली आनी चाहिए, कितने बजे बिजली आनी चाहिए, सब उनसे पूछ कर हो रहा है। ऐसी इंडस्ट्रीज को पूछ कर हमने अपना इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। ये होता है लोगों की सरकार। हमारी सरकार में फैसले मुख्यमंत्री के घर पर बैठ के नहीं होते, हमारी सरकार में फैसले एसी कमरों में बैठ कर नहीं होते, हमारी सरकार में फैसले लोगों में जाकर होते हैं, लोगों से पूछ कर होते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम पंजाब में प्रचार कर रहे थे आज से 1.25 साल पहले, बहुत भीड़ उमड़ रही थी, लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग हमको वेव करने के लिए आ रहे थे, उम्मीद की एक किरण लेके आ रहे थे, तो उन्हीं उम्मीदों को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का भार थोड़ा ज़्यादा है लेकिन निभाएंगे, हम पर यकीन रखना। बड़े 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 माफिया हमने ख़त्म कर दिए एक साल में, सैंड माफिया था, जो रेत था वो ब्लैक में बिकता था, वो माफिया तोड़कर आज हमने पंजाब में 5.5 रुपए क्यूबिक फीट जो रेत का रेट है वो तय कर दिया है और लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हायर एजुकेशन का सवाल है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं हम, 16 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो पंजाब सरकार खोलने जा रही है, जिनमें से 3 का शिलान्यास हो गया है, उद्घाटन हो गया है। क्योंकि जब यूक्रेन में प्रॉब्लम आई रशिया के साथ जंग की, तो यूक्रेन से बहुत से जो मेडिकल के स्टूडेंट वो भारत के वो वहाँ से वापस वतन जब लेके आए गए तो मुझसे मिले जो पंजाब वाले थे, वो कोई निलैक्स स्टूडेंट नहीं थे, उनके 99% नंबर थे, 99.1, 99.2, 99.3 थे, लेकिन यहाँ बहुत महंगी थी पढ़ाई। वो कह रहे हैं जो काम यहाँ 3 करोड़ में होता है वहाँ 30 लाख में हो जाता है। तो वहाँ से हमें आइडिया आया क्यों ना हम मेडिकल हब बना दें हमारे पंजाब को, कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ के MBBS बने और पूरी दुनिया में जाएं तरक्की करने के लिए, जहां मर्जी जाएं। और उसके बाद हमने करप्शन पर नकेल कसी, बहुत से बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं, बहुत से भ्रष्टाचारी जेल में हो चुके हैं, इवन हमारी अपनी पार्टी के एक दो जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे थे हमने उनको पकड़ कर जेल में दे दिया। यही होता है पारदर्शी की सरकार। हमने पारदर्शिता लाने की बात कही थी क्योंकि हमारी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये पार्टी जो है वो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, अब तक हम 26,797 सरकारी नौकरियां के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं, आने वाले दिनों में और भी बहुत सी नौकरियां देनी है,
28,000 के करीब हमने कच्चे मुलाजमों को पक्के कर दिया। जितने रहते हैं उनमें सब कुछ कानूनी अड़चने हैं वो दूर करके हम उनको भी पक्का कर देंगे। हमारा मकसद है लोगों को काम मिले, लोग सुबह उठें और काम पर जाएं। यही देश की तरक्की होती है, यही किसी प्रदेश की तरक्की होती है। बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने प्लांट जो हैं, किसी का सेकंड बिगेस्ट इन इंडिया, किसी का सबसे बड़ा इंडिया में प्लांट, वो पंजाब में आ रहे हैं, लुधियाना में आ रहे हैं, मोगा के लिए आ रहे हैं, राजपुरा में आ रहे हैं, जलंधर में, अमृतसर में। तो हमारे पास हाईवेज़ की कमी नहीं है, हमारी सड़कें बहुत अच्छी हैं और हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है। और हम अगर मैं कहूँ कि देश में हमारा पहला राज्य है जो पावर सरप्लस भी है और कोल सरप्लस भी है। तो बिजली हमने फ्री कर दी किसानों के लिए, तो बिजली पहली फ्री थी, हमने 87% घरों का बिजली का बिल भी जीरो कर दिया और लोग बहुत खुश हैं। और जितनी उम्मीद और जितनी आशाएं आपने हमारी सरकार पर की हैं, रखी हैं, वो कायम रखना। जितना यकीन हम पर किए वो भी कायम रखना। हम इस यकीन को टूटने नहीं देंगे, ये हम वादा करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियाँ दी थी वो गारंटियाँ पूरी करेंगे। और आम तौर पे सरकारें जो आखिरी साल में काम करती हैं कि लोगों को वोटों के समय याद रहे ये काम, लेकिन हमारा मकसद वोट नहीं है, हमारा मकसद है पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाना। हमने वो काम पहले साल ही शुरू कर दिया, बल्कि पहले दिन से शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। 70 साल पुराना उलझा हुआ ताना ठीक करना है, 70 साल लेट हैं, इसलिए दिन रात काम करना पड़ेगा हर शोबे में, हर फील्ड में। आपकी सरकार, आपकी सरकार, पंजाब की सरकार, पंजाबियों की सरकार जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। पूरी दुनिया में पंजाबी बैठे हैं, NRIs, बहुत NRIs हैं, वो अपने पंजाब में, अपने मायके में वो पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मायके से ठंडी हवा के झोंके आएँ। तो हम उनको भी यकीन दिलाते हैं कि आप आइए, यहाँ इन्वेस्ट करना है, कोई गांव आपने गोद लेना है, कोई स्कूल बनाना चाहते हो, हस्पताल बनाना चाहते हो, आप आइए, आपके विश्वास की सरकार बनी है। तो आप एक रुपया अगर आप लगाओगे तो गवर्नमेंट उसको 1.25 रुपया बना के आगे पहुंचाएगी। तो जितना यकीन आपने हम पर रखा है एक साल, आगे भी इस यकीन को बनाए रखिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और मैं यही एक बार फिर कहूँगा कि एक साल पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई, और अगला साल पूरा होने तक हमारी तरक्की की जो है स्पीड वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।